आज डॉक्टर केंट सर, जो हमारे माइंड, जिन्होंने माइंड को फोकस किया, जिन्होंने पहली बार माइंड को रिपर्टरी में सबसे पहले रखा, आज उनका जन्मदिन है और हमारा सौभाग्य है कि हम हमारे बीच में डॉक्टर सहगल सर आए और उस माइंड मेथड चैप्टर को बूस्ट करके किया, और उसका नतीजा है कि आज हम HSH जैसे MRSD, ASRH और HHF जैसे बड़े और अच्छे ग्रुपों में अच्छे अच्छे टीचर से सीख रहे हैं। और ये होम्योपैथी में ही होता है कि टीचर्स अपने अनुभव शेयर करते हैं, बाकी कई पैथी ऐसी है जहाँ अनुभव शेयर नहीं किए जाते, छुपा के रखे जाते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे साथ इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म है, इतने अच्छे गुरु हैं। और वैसे ही एक गुरु हमारे साथ हैं, डॉक्टर अचिंतो सर, तो इनका एक केस नमस्कार। करते हैं। और केन को भी, डॉक्टर केन को भी नमस्कार मेरी तरफ से, तो बहुत बहुत। ये केस सर का सुनिए, फिर इसका एनालिसिस सुनेंगे। सर सब ठीक है सर डॉक्टर साहब, बाकी सूजन है हमारा पेट में और आंखों में। हाँ अच्छा, तो कब से शुरू हुआ ऐसा? ये 1-2 महीने, एक महीना 1.5 महीना से। हाँ अच्छा, तो तकलीफ क्या हो रहा है? तकलीफ ये सूजने हैं। हाँ सूजन से क्या कोई परेशानी कुछ? सूजन से लग रहा है, पूरा शरीर भारी लग रहा है। हाँ दिख सब पूरा शरीर जाम लग रहा है। हाँ अच्छा, तो चलने फिरने में कोई दिक्कत? हाँ चलने फिरने में लगता है, तब भारी सब शरीर भारी भारी लगता है। हाँ और क्या? अब कुछ नहीं, सांस तो सब ठीक है। सब ठीक है ना? हाँ क्या चिंता हो रहा है अभी? बस यही सूजने की तकलीफ है। चिंता चिंता क्या हो रहा है मन में अभी? तो कोई नहीं है डॉक्टर साहब, चिंता कहाँ धरेंगे अब। सूजन के लिए? सूजन के लिए कि कैसे सूजन निमन होगा, शरीर हल्का लगेगा। हाँ तो भारीपन के लिए क्या क्या तकलीफ? हाँ जो भारी लग रहा है इसके लिए हाँ तकलीफ क्या हो रहा है? हाँ जो भारीपन लग रहा है उससे हाँ तकलीफ भारीपन लग रहा है सर। क्या हो रहा है? तकलीफ लग रहा है कि हिटने में बढ़िया अच्छी लगता है, तकलीफ लग रहा है शरीर 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 हल्का लगे। और कुछ? हाँ कुछ नहीं, ठीक है। अब बहुत दूर से आते हैं डॉक्टर, नगर से आते हैं अच्छा, तो बोलिए। हम। 4 गो बच्चन घर पर छोड़ के आए हैं। सब बच्चे घर में छोड़ के आए हैं? हाँ और क्या? अच्छा, यही चिंता है कैसे सूजन उभरेगा। हाँ ठीक है। सूजन उभर जाता है डॉक्टर साहब, बढ़िया हो जाता है। अच्छा, हाँ देखिए आज सुबह में नगर से आए हैं। पचास अच्छा, किलोमीटर हमारे हैं डॉक्टर साहब। वही तो पूछ रहा हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आए मतलब क्या? हाँ तो सूजन के लिए आए हैं डॉक्टर साहब। हाँ कि आइए। हमारा सूजन बढ़िया हो जाए। अच्छा ठीक। तो ये केस था, हाँ हो जाए। और सर इम्पोर्टेंट ये कि केस टेकिंग देखिए सर की, सर ने मिनिमम बोला है, कम से कम बोला है, और शायद 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन किया है सर ने, कि बार बार आप कह रही हो कि 50 किलोमीटर से दूर से आई हो तो क्या मतलब है। तो ये सर के केस टेकिंग का एक राज है कि कम से कम बोलना और जो सेंटर पॉइंट ऑफ द केस है उसको हिट करना। देखो अशोक मुस्कुरा जी रहे ने हैं सर। अशोक पकड़ लिया। हाँ तो आइए एनालिसिस सुनते हैं, आप लोग अपना एनालिसिस बोलना चाहे तो बोलिए। नहीं भाई अभी अभी ना ऐसा हो गया, मैं बोलता ही नहीं हूँ, अभी नहीं अभी कुछ नहीं बोलता हूँ, अभी बोलना ही छोड़ दिया मैंने। हेलो बोलो, जो बोलना है बोल के चला जाओ, उसी से बोल के बैठ निकल। जाओ। हेलो सर हाँ जी, सर बोलिए जी। तुषार सर। हाँ सर, वो जो 50 किलोमीटर की बात कर रही है इसके पीछे हाँ मतलब हो सकता है कि
50 किलोमीटर से आना है उसका पैसा लगता है, टाइम उसमें हाँ जाता है और बच्चों को घर पे राइट छोड़ के आना पड़ता है। राइट, चार चार बच्चे को छोड़ के आए, चार बच्चे बोला चार बच्चे को छोड़ के आने, उसके पीछे छोट। एंजाइटी ऑफ चिल्ड्रंस भी है, मनी मैटर्स भी है। तो सर फ्रील ऑफ ब्रायनिया का है। मैं पैसा का बात बोला नहीं हो, और मनी मैटर्स तो बोला नहीं, पैसा का नहीं बोले हैं, एंग्जाइटी चिल्ड्रन भी नहीं बोला है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। यस इसने एंग्जाइटी नहीं बोला है, उसने नहीं बोला है कि बच्चा छोड़ के आया हूँ मेरा चिंता हो रहा है, ऐसा नहीं बोला। उन्हें बोला चार चार बच्चे को छोड़ के आया हूँ, 50 किलोमीटर दूर से आया हूँ, मैंने इसलिए मेरा दिमाग में काम किया उसे, मैंने इसलिए पूछा कि 50 किलोमीटर मतलब। उसने समझा नहीं, मैंने जो क्वेश्चन किया उनको समझा नहीं, मैंने बोला 50 किलोमीटर का मतलब, अपने आप से क्वेश्चन आ गया, अरे क्यों बोल रहा है 50 किलोमीटर, वही है मेरे राज, वहीं पर ये ड्राक का राज वहीं पर है। आगे जो बोला तो जो बोला बोला, उसमें भी रूब्रिक ले सकते हैं, इसमें भी रूब्रिक है, और कोशिश हेलो कीजिए, कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी सर, हेलो सर, जी हाँ, एक माइंड में रूब्रिक है, डेल्यूजन हेवीनेस ऑफ बॉडी, अवेयरनेस हेवीनेस ऑफ बॉडी। हाँ पॉजिट्रॉन अच्छा, और नाइट्रम कार्ब है उसमें, दो ही ड्रग है उसमें हाँ। ना, लेकिन ये दोनों ड्रग तो नहीं मिला। ये रूब्रिक मैंने लिया भी नहीं है। इनके फीलिंग के ऊपर मैंने लिया, इसका फील के ऊपर मैंने लिया, ये जो जो मैसेज मेरे को देना चाहता है उसके ऊपर मैंने रूब्रिक बनाया। इसने क्या बोला उससे इम्पोर्टेंट। क्लिंगिंग ले सकते हैं। ना क्लिंग मेरे को नहीं किया, क्लिंग एकदम ही नहीं किया, क्लिंग क्लिंग उल्टा एकदम क्लिंग के हटके दूसरा क्लिंग नहीं कर रहा है। ये बोल रहा है कि भारी भारी लग रहा है, ये बोल रहा है शरीर भारी लग रहा है, ये बोला है क्योंकि सूजन हुआ है, भारी होगा, ये कॉमन चीज है, इसलिए डिलीशन नहीं लेंगे हम, ये डिलीशन एविनेस नहीं लेंगे क्योंकि सूजन हुआ है तो भारी तो नेचुरल है, इसलिए मैंने उसको डिलीशन में नहीं गया। अच्छा, जो जो लिख रहे हैं मेरे को दिख नहीं रहा है, क्यों ऐसा क्यों नहीं दिख रहा है ऐसा। अच्छा, सब गुड तो उसने जो बिहेवियर मेरे को मैसेज एक मैसेज देने का कोशिश किया, बाद में लास्ट में बात खत्म होने के बाद वो कोशिश किया कुछ बोलने के लिए, तो उसको तो पता नहीं है, रूब्रिक तो पता नहीं है पेशेंट को उनका अपने मन से बता दिया जो बोलना है, मैं उसी को स्ट्राइक कर गया। फिर ठीक है, गुड, कोशिश तो हुआ ना कुछ कम से कम। और बताइए। हाँ गुड इवनिंग सर। सर हाँ गुड इवनिंग। उन्होंने जो बताया कि वो 50 किलोमीटर से आए हैं, बच्चों को घर पे छोड़ के आए हैं, इतना दूर आए हैं, इतना दूर आए हैं, वो आपके पास आए हैं, और अभी आपके पास आए हैं तो आपकी जिम्मेवारी है कि आप मुझे ठीक करो, क्योंकि ये सब छोड़ के ना, मतलब इतना कष्ट लेके मैं आपके पास आई हूं, मतलब आप अभी आप ही कुछ तो करो, ऐसा फील आया। राइट, ये बात तो राइट है, आपको जिम्मेदारी है ठीक करो, हाँ ये भी सब राइट है, लेकिन वो क्यों बोल रहे हैं चार चार बच्चे को छोड़े, उनका भाषा में मैं नहीं बता रहा हूँ, गांव का भाषा है, चार चार बच्चे को छोड़ के आया हूँ, उनके चार ही बच्चे होगा, चार चार बच्चे तो ऐसा नहीं बोला कि बड़ा बच्चा के छोड़ा छोटा बच्चा का छोड़ा, मुझे पता भी नहीं है, लेकिन चार चार बच्चा, इसलिए इसका मतलब चारों उसके ऊपर डिपेंडेंट है, चारों बच्चे उसके ऊपर डिपेंड है, इसलिए बोला चार चार बच्चा को छोड़ के आए हो। और कोई कोशिश करे, और कोई, आप नजदीक पहुंच गए हैं तो थोड़ा रूब्रिक से थोड़ा दूर हट गए, रूब्रिक से थोड़ा दूर में है लेकिन पहुंच गया है एकदम। अच्छा ओके सर। सर ऐसा हो सकता है क्या कि अभी मुझे जल्दी ठीक करो, कैरिड फास्ट यानी फटाफट करो, क्योंकि मेरा इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे ऊपर और इतने दूर से मैं आई हूँ। ना कैरी पास के सर नहीं फास्ट है, से ज्यादा वो शोल्डर शोल्डर लग रहा है कि आप कर लो, अभी आप ही कर लो। पर हाँ सर ना शोल्डर पर नहीं। ना ना ना, ये भी इसका फीलिंग नहीं है। सर और क्या डिलीजन सोचिए। अवे फ्रॉम होम। हाँ राइट एग्जैक्टली, ये 50 किलोमीटर दूर में है, मैं बहुत दूर हूं अभी, बहुत दूर हूं, क्यों चार बच्चे छोड़ के आया हूं, अभी घर से मैं बाहर हूं, घर से बहुत दूर हूं, मैं घर में रहना चाहिए था अभी, चार चार बच्चों को लेकर, लेकिन मैं बहुत दूर,
सही बात, सही रूब्रिक, एकदम पक्का रूब्रिक, ये रूब्रिक मैंने लिया, एक तो पकड़ गया मैंने, एक रूब्रिक तो सही हो गया, थैंक यू। ऐसे तो हो जाएगा ना, ऐसे हो जाएगा, और एक रूब्रिक लेने से फट निकल आएगा मेरी से, सो वेल्थ और एक वाली रूब्रिक का फीलिंग जो है क्या, वेल्थ ना ना बोल वो ना सकते हो? वेल्थ, वेल्थ नहीं दिखाया, वेल्थ नहीं दिखाया, बिजनेस बरों स्टॉक्स है ऐसे सर ये। ना, बिजनेस भी स्टॉक्स नहीं किया, क्योंकि वो तो दवा वा लिया ही नहीं ना, कुछ भी नहीं लिया, ठीक हुआ कि नहीं हुआ ये कुछ नहीं बताया, इसलिए वांटिंग हेल्प, हेल्प हाँ हेल्प तो चाहिए, राइट, हाँ वांटिंग हेल्प, हेल्प चाहिए उसको, हेल्प चाहिए, क्योंकि बार बार आ नहीं सकते, इन्होंने इतना दूर से आए, छोटा बच्चा है, बार बार आ नहीं सकते। सर इंडिफरेंस रिकवरी हो सकता है? उसने कहा बस सूजन ठीक हो जाए। सूजन तो एक ही तो प्रॉब्लम, और तो कोई प्रॉब्लम है? उन्होंने बोला ना, और तो सब ठीक है मेरा, एक ही प्रॉब्लम है सूजन है, तो प्रॉब्लम है नहीं तो इंडिफरेंस तो नहीं होगा, मेरे चार्ट डिफरेंस है, में डिफरेंस सेंट्रल में है, बरन उल्टा उसको डिफरेंस में है, इतना सूजन हो गया, बारी बारी लग रहा है तो डिफरेंस पड़ता है, इसलिए उसका उम्मीद सर लेके आई कौन है से आपके कैसे हो पास सकते सर? हैं? हाँ उम्मीद भी लेके आई है, हाँ राइट, उम्मीद भी लेके आई है, होपफुल है मतलब। मैं तो इनसाइड कर रही है, मुझे अच्छे से अच्छी दवाई दे दो रिस्पॉन्सिबिलिटी करके दे सकते मुझे। सर? ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर वो इनसाइड कर रही है आपको कि अच्छे से अच्छा एग्जैक्टली दवाई। एग्जैक्टली, पकड़ गया, बस खत्म, केस खत्म। नहीं हाइसामस नहीं है, हाइसामस के इनसाइटिंग ना अलग, ऐसे होते हैं कि हाइसामस इनसाइटिंग करेगा कुछ लुभाने सर के लिए कोलोसिन, बोलेगा आपको, कोलोसिंथ, कोलोसिंथ, कोलोसिंथ इनसाइटिंग में है क्या? नहीं हाँ सर कोलोसिंथ तो इनसाइटिंग, कितना ड्रग है इनसाइटिंग में? अशोक लंबम, हायोसाइमस, कोलोसिन, लंबम सर, तीन, अब मैं तो जानता हूं तीन ड्रग है, हायोस, प्लम्बम और सिनिसिप्युगा, और तो कुछ नहीं है, हाँ और है सिमिसिपुगा भी है, क्या? प्लम्बम भी है, प्लम्बम भी है सर। हाँ सर आपने प्लम्बम जो दो रूब्रिक सिमिसिपुगा, बोले ना वो मिलाने के बाद तीन ही ड्रग आते हैं सर, प्लम्बम, सिमिसिपुगा एंड तीन, हायोसाइमस। इसलिए तो मैंने बोला, जब अभी सही तो पकड़ा हायोसाइमस तो नहीं सही, तो कोई लेकिन बच्चे एक हैं। तीन में तो एक ड्रग होगा हाँ, लेकिन हायोस नहीं आए तो एक हट गया, दो रह गया, दो बच गया, दो सिमिसिपुगा एंड प्लम्बम दो ही बच्चे अभी। ही बचे, तो हायोस का मैं इनसाइटिंग बता रहा हूँ, हायोस आपको बोलेगा कि आप ये ठीक कर दो, मैं आपको और बहुत, मैं हमारे और मोहल्ला में ऐसा बीमारी और बहुत है, सब भेज दूंगा, आपको लुभाने का कोशिश करेगा, आपको कुछ देने का, वो बोलेगा जी आप करो तो मैं आपसे और पेशेंट दूंगा, ऐसे कुछ बात वो लोग करते हैं हायस, तो यहाँ तो ऐसे इंसाइटिंग नहीं किया, इंसाइटिंग किया कि मैं इतना दूर से हूं, मैं बच्चा को छोड़ के आया हूं, मेरे ऊपर रहम करो, मेरा ऊपर कुछ रहम करो, मेरे ऊपर कुछ दया करो, अपने छोटा छोटा, मैं छोटा नहीं बोला, चार चार बच्चे को छोड़ के आया हूं, इतना दूर से आया हूं, 50 किलोमीटर दूर से आया हूं, तो मेरे ऊपर कुछ प्लम्बम हो दया करो, सकता है, दया करो, चाहती है कि आप उस पे सिंपैथी दिखाओ थोड़ी। हाँ आप उसका, मेरा ऊपर कुछ सिंपैथी दिखाओ, ये बोलने का उसने कोशिश किया, जब बात खत्म हो गया तब बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मन में चल रहा था, उसके अंदर में चल रहा था, ये बोलू 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 बोलू, उसको बोलने का कोशिश, समय नहीं मिल रहा था मेरे क्वेश्चन के लिए, खत्म होते ही फट से बोल दिया, ये सर लाइट होना एक चाहता है, हाँ ये प्रेयर लाइट होना चाहता है, भारी हो गया ना, बोले जी मेरा हल्का हल्का चाहिए, मेरे को हल्का होना है, लाइट डिजायर, ये लाइट होना चाहता है, एक तो लाइट होता है कि मुझे लाइट चाहिए, और ये लाइट होने चाहता है, ये भी लाइट डिजायर, भारी हो गया हूं मैं, हल्का होना चाहता हूं फिर भी दो ही ड्रग आते हैं ना सर, प्लम्बम और सिमिसिफ्यूगा। इसलिए तो मैंने बोला ये भी लाइट है, ये दोनों में से एक तो है श्योर, तो उस तो प्रश्न पूछना रहेगा प्रेइंग नीलिंग ना, नीलिंग तक नहीं किया, उतना नीचे नहीं नामा, उतना गिरा नहीं है, उतना तक नहीं किया, नीलंग के मतलब कि एकदम मैंने पैर पकड़ लेना है मुझे क्षमा करो, ये लेकिन इसको बोलता है मुझ पर कुछ दया करो, छोटा सीकिंग छोटा हेल्प बच्चे फॉर से है सर। सीकिंग है ना, सीकिंग नहीं कर रहा है ना, सीकिंग
सीकिंग तक नहीं किया। और एक मैं सीकिंग हो सकता है, दया करो मुझ पे, दया करो मुझको। हाँ वही तो वो समझाना चाहते हैं मेरे को, जो मेरे को दया करो क्योंकि और नहीं आ सकता है, 50 किलोमीटर दूर से आया छोटा छोटा बच्चा ये है, तो बेगिंग वाला ही फील होता है ना सर। राइट, दिस इज बेगिंग, बेगरी बोलते कि मुझ पे दया करो, मुझे दया करो। हाँ बेगरी ऐसे बोलते सकता है और कोई नहीं बोलेगा, बेगरी बेग करते है मुझ पर दया करो, बेगर, दिस इज बेगिंग। अब तो हो गया ना अलग, प्लम्बम प्लम्बम, हाँ सर प्लम्बम, हाँ दिस इज प्लम्बम। सिमी सुपुगा भी ऐसे इंसाइट नहीं करते है, सिमी सुपुगा इंसाइट करता है थोड़ा बेक नहीं करता है, सिमी सुपुगा का इंसाइटिंग है एक केस ऐसे, वो भी बोला था मैं बहुत दूर से आया हूँ, हमारे मोहल्ले में बहुत सारे डॉक्टर है सर, तो भी मैंने आपका पास आया हूँ। डिफरेंस देखा, ये बेग कर रहा है, वो बेग नहीं कर रहा है, वो बोल रहा है कि सबको छोड़ के आपको फंस आया हूं, ये सिमी सुपुगा का इनसाइटिंग। और हायो तो आपको बोलेगा आप ठीक कर दो, मेरे मोहल्ला में बहुत सारे पेशेंट है आपको भेज दूंगा, ये तीन का इनसाइटिंग अलग अलग। लेकिन ये प्लाम्बा में ना और बहुत सारे रूब्रिक है इस पेशेंट में, मैं एक एक करके बताता हूँ, निकालिए। डिलीशन प्लेस डिफरेंट प्लेस एट ए टाइम शीज, वो है यहां लेकिन मन है वहां, वो है यहां लेकिन मन है वहां। दौड़ेगा दौड़ेगा, डिलीशन प्लेस डिफरेंट प्लेस एट ए टाइम, अभी है यहां किंतु मन है वहां, शरीर यहां मन हुआ बच्चे को वहां। डिलीशन वॉइस हियरिंग, बच्चों का आवाज उनके कान में आ रहे है, चार चार बच्चा छोड़ के आए, कोई रोते होगा, कोई खाना मांगते होगा, कोई मम्मी मम्मी करते होगा, कोई क्या कर रहा है चिल्लाते होगा, वही उनको आवाज आ रही है उनके कान में, तब जाके उन्होंने बच्चों को याद दिलाया मेरे को बहुत दूर से आया हूँ सर, 50 किलोमीटर चार चार बच्चा को छोड़ के आया हूँ, मुझे हल्का होना है। अच्छा एक बात बोलनी है, हम लोगों का मई का लास्ट या जून का पहले इसी बीच में हम लोग पेड क्लास कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें, पैसा भी बहुत ही कम है, मैं चाहता हूं सब उसमें ज्वाइन करें तो हमें भी मजा लगता है कुछ इसको और मजा ले, और क्या उसमें तो स्पेशल तो कुछ कुछ ना कुछ तो स्पेशल होगा ही होगा, क्योंकि इसमें आपको इतना मजा, ये प्लम्बम केस दिखाया आपको अच्छा लगा तो आप सोचिए उसमें क्या कैसे लगेगा, है ना अशोक दादा? हाँ दादा, हाँ यस, और कुछ स्पेशल होगा, और कुछ स्पेशल कोशिश करेंगे देने के लिए जो मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। सेल्फ इंडल्जेंट, मतलब खुद की ही बातों में व्यस्त, खुद के ही तकलीफों में व्यस्त, खुद के लिए मतलब राइट राइट राइट। तो ये क्या बोल रहे हैं मेरे को, खुद ही को तो बात बोल रहे हैं, आप बोलेंगे जे सब पेशेंट ऐसे ही बोलते हैं, नहीं सब पेशेंट बोलते हैं, अगर बोलते हैं आपको तो रूब्रिक लेते हैं, अगर नहीं बोलते हैं क्यों रेन लेंगे। इंडल्जेंट मतलब खुद का चाहिदा, खुद का इच्छा, खुद का मन का कुछ बोलना, यही आप तो चाहते हैं कि मैं चार चार बच्चे छोड़ के आए हूं, वही इच्छा आपको बता रहे हैं मैं। और सर इंडल्जेंट का बहुत सारे मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग आपका मन का इच्छा है अभी, अटैचमेंट है कि हो सकते हैं सर, सेल्फ अटैचमेंट, खुद के लिए ज्यादा अटैचमेंट, नहीं अटैचमेंट नहीं, सेल्फ इंडल्जेंट अलग मीनिंग अलग है, ये फ्रेज है एक सेल्फ इंडल्जेंट, खुद का मन का चाहे मैंने चाहत, इसने मेरे को प्रकट करके बोला, ये मैंने प्रे करके बोला, इसलिए इम्पोर्टेंट है, वो प्रेइंग करके कर रहे है सर मैं चार चार बच्चे को छोड़ के आया हूं, ये मन में चल रहा था, वो बच्चे का आवाज उनको आ रहा था, मैं बहुत दूर हूं घर से, इसलिए मेरे को इंसाइट कर रहे ऐसा मेडिसिन दिए, ऐसा मेडिसिन दीजिए, अच्छा मेडिसिन दीजिए कि मैं ठीक हो जाऊंगा, हल्का हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सर, यूनिक यूनिक प्रेजेंटेशन आपसे, नए नए थैंक यू मिल